दोस्तों नमस्ते। तो दोस्तों आज संडे और मैंना अभी उठ चुकी और मैंना मम्मी के गांव जा रही हूँ, मतलब की अपने नानी के घर। अन्ना नानी का घर ना खरसाड़ी में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों सुबह के भी बज रहे हैं लगभग 8। और बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम में बिल्कुल कल के जैसा ही हो रहा है, बिल्कुल कोरा कोरा हो रहा है। सुबह तक भी बारिश लगी हुई थी लेकिन अभी जो है हल्की हल्की धूप भी लग रही है। देखो तो कभी कभी बादल लग जा रहे हैं इसलिए धूप नहीं लग रही है, और जब थोड़े थोड़े बादल हट रहे हैं ना तो धूप भी काफ़ी तेज़ी लग रही है, और बाकी जो है कोहरा भी लगा हुआ है। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है तो 8 बज रहे हैं और आज संडे है, तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और नाश्ता भी ना बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, तो आपको दिखाते हैं कि आज नाश्ते में क्या स्पेशल बनाया है। तो ये देखिए दोस्तों, आज का नाश्ता हमारे प्याज के पराठे हैं ये, और साथ में घी है और चाय है। तो चलिए आप टेस्टी सा नाश्ता करते हैं। तो फटाफट से आज नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि आज संडे है और बहुत दिनों से ना मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा है कि भाई आ जाओ, क्योंकि मक्के का सीजन है तो उस टाइम पे ना हर कोई अपनी बेटी को ना न्योता देता है कि भादो का महीना लग गया है और मायके जाना होता है और मायके से कलयो लाना होता है। तो हम भी जाएंगे, आज संडे है तो बच्चों की छुट्टी है तो छुट्टी कराने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो इसलिए जल्दी काम निपटाए। बस अभी नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी और आदविक को नहीं लेके जाऊंगी मैं बस, और पतिदेव जाएंगे फिर ससुराल। दोस्तों पहले बहुत आते थे ससुराल, अब जब से शादी है ससुराल हम जा रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूं। 10-15 बार तो वहां चले गए हैं। कौन? और अक्कू भी उठ चुकी है, देखो अभी उठ रही है, बस 8 बजे है ना, बस उठी है, मुंह वगैरह धोया उसने, अब नाश्ता करते हैं हम। चलो मेरे पांव में लचमुड़ा पड़ रखा है और बहुत दर्द हो रहा है, सूजन कम नहीं हो रही। तो हाँ पतिदेव के पांव में जो है ना मोच सी आ गई है, उसे हमारी लोकल भाषा में लचमुड़ा बोलते हैं कि लचमुड़ पड़ गया है, नी मतलब पाँव मुड़ गया इनका, मुड़ गया मोच, और उसमें ना तो हल्की हल्की सूजन है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और इनको ना कम से कम 3-4 दिन हो गए हैं, पर लापरवाही इतनी करते हैं। 3-4 दिन नहीं हुए, ज्यादा हो गए ना, 6-7-8 दिन हो गए होंगे यार, ये तो 15 अगस्त के दिन हो गया था। अच्छा हाँ यार, अब तो पांव सूज रखा था 2-3 दिन, अब तो ठीक है, अब तक ये इस तरह तो नहीं हुई सूजन कम, हड्डी में ये लग रहा है हड्डी बाहर निकल गई इसकी, अब पता नहीं जो भी होगा। इनको कब से उसी दिन बोल दिया था मैंने, नहीं नहीं हो जाएगा, पहले मूव वगैरह स्प्रे डाल देते हैं, नॉर्मल सी बात हो गई। मैंने कहा कभी छोटी बात बड़ी हो जाती है ना, तो मैं तो लापरवाही कर रही हूं बस। चलिए अब नाश्ता करते हैं दोस्तों फटाफट से। दोस्तों अभी ना हम ना नानी के घर जाने के लिए ना रेडी हो चुके हैं, और ना अभी ना मम्मी भी ना थोड़ा तैयार हो रही है, मम्मी ने ना मेरे बाल फिर से बना दिया क्योंकि ना मेरे बाल ना आगे आ रहे थे, और मम्मी भी देखो पूरा तैयार हो चुकी है नीली नीले सूट में। नीला नहीं है कोई, क्या है पीला, वाइट है, वाइट कलर है, दूसरा कौन सा कलर है, ये हल्का हल्का सी ग्रीन कलर है। हाँ ये देखो ग्रे कलर। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं लगभग अभी 10, और सुबह के 10 बज रहे हैं और आज है संडे, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, और मेरे साथ में अक्कू भी रेडी हो गई है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके और आज आपको अपने मम्मी पापा से भी मिलवाऊँगी और साथ में अपना मायके वाला घर भी दिखाऊँगी। तो पहले तो मायके में मेरी दादी भी हुआ करती थी लेकिन अभी दादी तो है नहीं, दादी तो हम लोगों को छोड़ के चली गई है। फिलहाल जो है मेरी मम्मी भी अभी गांव में ही रह रही है, जब से मतलब दादी की डेथ हुई है तो मम्मी ना क्योंकि घर को ऐसे छोड़ते नहीं है, तो इसलिए मम्मी घर में ही रह रही है तब से। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का मौसम दिखा देते हैं, और अभी देखो ऊपर पहाड़ियों पे तो ना बिल्कुल कोहरा सा छाया हुआ है, और इस साइड भी देखो बादल लगे हुए हैं काले काले, तो लेकिन जो है बारिश नहीं है, और उस तरफ आप देखेंगे ना वहाँ बिल्कुल धूप लगी हुई है भाई, तो कुछ गजब का ही मौसम हो रहा है, कहीं कोहरा और कहीं बादल लगे हुए हैं और कहीं धूप लगी हुई है, ऐसा मौसम हो रहा है। और ये है आपको जो ना मम्मी की ना वो थी ना दादी, वो ना मेरी बूढ़ी नानी थी, और ना फिर ना नानी ना वहाँ पे नानी के घर पे रहती है। तो आज आपको अपनी नानी के गांव जा रही है ना, तो 5वीं 6वीं बार जा रही हूँ क्योंकि मैं बचपन से जाती हूँ। और
अभी जो है ना सामने पहाड़ी पे जो मंदिर बना हुआ है ना घंडाल देवता जी का, तो वहाँ पे ना बिल्कुल अभी म्यूज़िक वगैरह चलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे वहाँ पे मतलब आते रहते हैं ना लोग अपने दर्शन वगैरह करने के लिए भगवान जी के, तो वैसे ही वहाँ पे जो है ना मंदिर खुलता होगा तो भजन वगैरह शुरू हो जाते हैं, म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है, तो हम लोगों को भी सुनाई देता तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं, और बाकी मायके के लिए मैं मम्मी ने मेरे लिए क्या क्या निकाला है ना वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे से ना मम्मी ने अभी हरी मिर्च निकाल दी है, जो कि ना नाना ने कहा था ना हरी मिर्च लेके आ जाना। नाना का ऑर्डर आया हुआ है कि हरी मिर्च ले जाना, और मम्मी ना कहीं दूर ले जा रही है। तो दोस्तों अभी ना मम्मी ना चिचिंडे निकाल रही है। तभी दोस्तों हम घर से ना निकलने लग गए हैं, और बाकी अपने मायके के लिए मैंने रखे हैं ये चचिंडे, और इसमें है हरी मिर्च, और साथ में इस बॉटल में रखा है दूध। तो ये सारा सामान मम्मी ने रखा है, और अब चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने मायके के लिए, और आगे आगे अक्कू रास्ता लगी हुई है, डांस करते करते जा रही है, वहाँ से म्यूज़िक आ रहा है ना मंदिर से। तो अक्कू को डांस का बहुत शौक है भाई, डांस का शौक नहीं मुझे आता है। अच्छा गहरी शौक नहीं मुझे आता है, आप ना अपने बच्चे को मेरे पास दे दो मैं इनको डांस सिखा दूं। डांस क्लास शुरू करेगी अक्कू अब। तो अभी देखो दोस्तों मेरे को हमारी नंदी जी मिल गई हैं, कित्तू बहुत कामकाजी लड़की है ये, और ये लेके भाभी घूमने जा रही है, नानी के घर भाभी घूमने जा रही है, और नंद काम कर रही है ना कित्तू, और कित्तू लेके जा रही है भीमल की जो टहनी होती है ना, जब हम भीमल काटते हैं तो उसकी टहनियां रख देते हैं, समय ना गधेरा आया हुआ है, तो कित्तू ना वहाँ लेके जा रही है इनको डालने के लिए कित्तू, फिर इससे ना आग जलती है, जब इनके रेशे निकालते हैं तो आग जलती है, और रेशे का क्या करते हैं कित्तू बताएगी, रस्सी बनाते हैं। हाँ रस्सी बनाते हैं, चलो अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं रोड में, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर पे, क्योंकि वो भी जाएगी मेरे साथ में और उनके बच्चे भी जाएंगे, तो हम सब लोग जाएंगे साथ में ही। तो अभी फ़ोन करा मैंने तो उसने कहा कि मुझ पर टाइम लगेगा, तो मेरे घर पे आ पहले, तो अभी इसलिए हम लोग ना वहीं जा रहे हैं मैं और आपको। फ़ोन आ गया आपको। तभी पहुँच गए हम अपनी बहन के घर पर, और ये लोग अभी रेडी हुए ही नहीं हुए। हाँ भाई तेरी मम्मी रेशो तो हो गई रेडी, और ये अभी रेडी नहीं हुए भाई, और ये हमारा डॉन है, हेलो कर दे। हेलो मम्मी। ये हमारी परी है बड़ी, ये छोटी परी है, और ये परियों की मम्मी है। तो अभी दोस्तों हम ना धारे के पास पहुंच गए हैं, और बच्चे भी मेरे साथ में आ गए हैं ये देखो, और यहाँ से ना हमने पानी वगैरह भर लिया है रास्ते के लिए, और हमारे बैग वगैरह सब यहाँ पे हैं, पर अभी गुन्नू की मम्मी यानी कि मेरी बहन अभी आई नहीं है, क्योंकि दुकान में ना कस्टमर आए जा रहे हैं, जैसे ही हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं वैसे कस्टमर आ गए, तो उसे दोबारा जाना पड़ा, अभी हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जब वो आएगी फिर निकलेंगे हम। और बाकी देखो वहाँ पे कपड़े भी धो रहे हैं धारे के पास, लेकिन आजकल जैसे गांव में पानी आ रहा है तो उससे ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना बहुत सारे लोग ना इस टाइम पे यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं। पानी आया था, पानी आ रहा है ना। हाँ देखो सीनू कह रहा पानी आ रहा, और बाकी मैं आपको ना पानी का फोर्स सिखाती हूँ, देखो कितना भयंकर जोर से पानी है, और जब ये ओवरफ्लो जाता है ना तो यहाँ ऊपर से भी पानी आता है, ये जो ऊपर नल लगे हुए हैं ना वहाँ से भी है ना। हाँ बाकी देखो अभी ना काफी तेज धूप लग गई है। तो आज बच्चे कहाँ जा रहे हैं छुट्टी में? नानी के घर। कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। तो बच्चे नानी के घर जा रहे हैं, अभी अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं, इनकी मम्मी आ ही नहीं रही भाई, है नी आ गई, कस्टमर तो आ गए भाई तुम्हारे, वो देखो आ रहे वहां से, नहीं मम्मी नहीं आई। तो दोस्तों अभी फाइनली मेरी बहन भी आ चुकी है कस्टमरों को निपटा करके, तो अब हम लग गए हैं रास्ता ऊपर के लिए, और हमें ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है, और धूप की चमक ना काफ़ी तेज़ लग रही है भाई। चलो तो अभी दोस्तों हम ना धारे से थोड़ा ही ऊपर आए होंगे, और हालत इतनी ख़राब हो गई, पसीना ही पसीना हो गया भयंकर, और चढ़ाई में बिल्कुल नहीं चला जा रहा,
सबकी सांस फूल रही है, सबको पानी की जरूरत, सब पानी पी रहे हैं। और सामने पे भी जो घर दिख रहे हैं ना, तो ये भी मेरे मायके में, मैं तो मायके का जो एरिया ना उसी में ही आता है, तो यहाँ पे भी हमारे ताऊ जी लोग रहते हैं सामने पे। और अभी तो हमें पता नहीं, जितना आए हैं ना इससे भी और ऊपर जाना है भाई, इससे डबल। हाँ डबल, हालत ख़राब हो जाती है भाई सच में। क्या होगा ना, तो दोस्तों अभी थोड़ी से ऊपर आने पे हम ऐसे लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ से ना हमारा गांव भी दिखता है, यानी मेरा ससुराल। तो बिल्कुल जो सामने पे गांव दिख रहा है ना, वो है हमारा ससुराल यानी मांडा गांव। और देखो वहाँ नीचे डाउन पे है और हम इतनी हाइट पे ऊपर पहुँच चुके हैं, और सामने पे बिल्कुल अक्कू लोगों का स्कूल दिख रहा है, और व्यू देखो बहुत ही प्यारा है यहाँ से। तो ये जो खड़ी चढ़ाई होती है ना भाई, इसी में ही हालत ख़राब होती है कसम से। सीधा सीधा वाला जो रास्ता होता है ना, उसमें इतनी हालत ख़राब नहीं होती। तो जो मेरा मायके वाला घर है ना, वो काफ़ी हाइट पे है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है भाई जाने के लिए। बच्चों की भी हालत ख़राब, बच्चे भी बड़ा खुश हो रहे थे ना, नानी के गाँव जा रहे, नानी के गाँव जा, हालत ख़राब, सबकी रेल बन रही। तो चलिए जी, फाइनली जो है ना अपने घर वाले रास्ते पे हम पहुँच ही गए हैं। और यहाँ देखो पूरी झाड़ी वाड़ी सब लोग, मम्मी लोगों ने साफ़ की हुई है, रास्ता पूरा साफ है। और ना मम्मी भी आ गई लेने के लिए हमें घर के पास ही। ये करो पाँव छो के नानी को नमस्ते, करो अक्कू नमस्ते, ये उधर आ जाए यार, नमस्ते नमस्ते। और ठीक कर रुक जा, यहां को पाँव मैं एक बार तो अब मैं आई हूं, हैं तुम मजा आओ ये पर पा, ये टिकट और लमटने चल आरती हूं, हाथ ना पकड़ दो यार मेरा, पकड़ ले बस, ये पकड़ के हाले ना मैं पूरा यार, रुक जा ऐसे ही कभी आके तो चलो बैठो, तमीन हाथ जी पकड़न के आ थोड़ी जमा, बैठो चलो देखो हो जाए ना कोई, ये की मैं तो और छापे से निकाल, अरे भाई ये जा तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए अपने मायके। और सबसे पहले यहां से मैं आपको घर दिखाती हूं, तो ये देखो ये है मेरे ताऊ जी लोगों का घर। और ताऊ जी लोग सब ऋषिकेश में रहते हैं ताई लोग, और वहां ऊपर पे भी हमारे ताऊ जी लोगों का घर है जो सीमेंटेड बना हुआ है। और ये दादी लोगों का, सब ऐसी हैं, सारे घर ना बस टूट गए हैं भाई, कोई घर में तो रहता नहीं है। और ये भी ताई जी लोगों का घर है, भी दिल्ली में रहते हैं। और इधर तो सारा पूरा ऐसा हो गया, बिल्कुल सारे घर नीचे गिर गए, पूरा खंडर जैसा। नमस्ते नमस्ते, ठीक है तो आरती आऊँ दो आना, तो खाना क्या मैं नहीं खा सकती। ये मेरे ताऊ जी का घर है ये भी, और ये मेरी ताऊ जी की लड़की है, मेरी बहन है, इसका नाम आरती है। और ये है यहाँ से हमारा घर शुरू हो जाता है। तो ये हमारा दोस्तों पुराना वाला घर जिसमें हमारा बचपन बीता है, हमने स्कूल में जब स्कूल पढ़ते थे पढ़ाई की, तो हम यहीं इसी वाले घर में रहते थे, तो हमारा नया घर नहीं बना था। और ये देखो यहाँ पे ये है तिल का पौधा, जिसमें देखो फलियाँ भी आ गई हैं, और देखो फूल भी लगे हैं, और छोटी छोटी फलियाँ भी लग गई हैं। और देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब एक पौधा है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये तिल का पौधा है, और ये है हमारा नया वाला घर। नमस्ते।